हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने चैनल टेक्निकल कूल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम एलजी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का है, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है दोस्तों, उसके पीसीबी को हम साइट में अगर जाते हैं, हम किस प्रकार से उसको चेक करेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्लैंप मीटर चलाने आना चाहिए, और अगर क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर चेक करना आता है तो आप पीसीबी को साइट में बड़े आसानी से कैसे हमको डिटेक्ट करना है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ कंपोनेंट को चेक करना है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और यूवीडब्ल्यू टेस्टर से हमको किस प्रकार से चेक किया जाता है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल में मेरी पहली दफ़ा आए हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बस अब वीडियो में देख रही है, अब मैं आपको बारी बारी चेक करना बताऊँगा पीसीबी को किस प्रकार से चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी मोड में अपन क्लैंप मीटर को डाल लेंगे और प्रॉप को अपन क्या क्या चेक करेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमको चेक करना है दोस्तों, हम अगर साइट में काम करते हैं, अभी मैं यूडब्ल्यू टेस्टर को थोड़ा साइड कर लेता हूं, आप लोग को चेक करके एक एक चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम साइट में जाते हैं तो हमें फ्यूज़ चेक करना ज़रूरी है। तो ये हमारा फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ को हम चेक किए तो हमारा सप्लाई बराबर फ्यूज़ में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद ये वीडी आ रहा है दोस्तों, एम ओ वी भी बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, वेरिस्टर लगा हुआ है, वेरिस्टर सीरीज में लगा रहता है। अगर वेरिस्टर ख़राब होगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा दोस्तों। तो हमारा फ्रिज फ्यूज सही है। फ्यूज सही होने के बाद हमारा सीधा ये एनटीसी है, एनटीसी के आउटपुट में अपन चेक करेंगे, यहाँ भी कंटिन्यूटी आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों, अभी मैं शॉर्ट करने के लिए, ये ओएलपी है दोस्तों। एक मिनट, हाँ ये हमारा देखिए यहाँ पर भी सप्लाई आ गया। तो ये हमारा इनपुट आ रहा है ओएलपी के लिए, ओवरलोड प्रोटेक्टर में आएगा, ओवर प्रोटेक्टर के आने के बाद फिर यहाँ से निकलेगा। तो हम इसको कोई भी वायर से हम शॉर्ट कर लिए, मैं इसको शॉर्ट करके आगे को चेक करके बताना जा रहा हूँ दोस्तों। तो अब ये ओएलपी लग गया समझ लीजिए, अब ओएलपी लग गया तो हमारा अब ये सप्लाई यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, तो ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 230 वोल्ट इस ब्रिज रेक्टिफायर में आएगा। तो एक एक करके बारी बारी हमको चेक करना है, तो हमने यहाँ से चेक करके यहाँ स्टेप बाय स्टेप आए तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में आ चुका है दोस्तों। तो हमारा फेस लाइन आ चुका है। उसी प्रकार अब हमें न्यूट्रल चेक करना है दोस्तों। तो न्यूट्रल भी जस्ट वैसे ही आता है, न्यूट्रल को देखिए इसमें लगाए, और न्यूट्रल को लगाने को सीधा वीडीआर में अपन आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आपका कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में पूरा सप्लाई आ रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है तो हमें एनटीसी लगा हुआ है, देखिए उसको हमको चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर भी देखिए ये बीप बजेगा दोस्तों। अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये आ रहा है तो फिर आपका ब्रिज रेक्टिफायर में भी आएगा दोस्तों। तो हमको इतना चेक करना आना चाहिए, अगर इतना चेक करना आ गया तो हमारा 70% प्रॉब्लम हमारा यहीं पर ही समाधान हो गया। ये अपन एसएमपीएल का सिस्टम को चेक कर लिए, इसको बारी बारी से हम क्लेम मीटर की सहायता से हम ये चीज़ को हमने इतना सीख लिया दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाए हैं, जो मैं इसको इसलिए लगाया हूँ क्योंकि हमको अभी आगे मैं आपको दिखाने जाऊँगा कि हमें UVW से हमको कैसे चेक करते हैं, UVW टेस्टर से कैसे चेक करते हैं। अब हमको पावर ऑन करेंगे, पावर सप्लाई ऑन के एक बार लाइट बंद चालू ग्लो करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अब हम कंटिन्यूटी को हम एसी में लगा लेंगे, एसी में लगा लेंगे तो हमारा ध्यान देंगे, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कट रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अब इसके बीच और इसके बीच में 230 वोल्ट 225 वोल्ट आ रहा है। अब इसको अपन डीसी में रखेंगे, अब डीसी में रखने के बाद ये हमारा पॉजिटिव है, जो कट वाला एरिया रहता है पॉजिटिव रहता है, और इसको हम इस पर लगाएंगे तो हमारा डीसी वोल्ट 213 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है। तो हमारा इससे मालूम हो गया कि हमारा सारा कंपोनेंट यहाँ का जो एसी सप्लाई वाला सिस्टम है कंपोनेंट, वो सब ठीक है। यहाँ एसी से डीसी में
ये ब्रिज रेक्टिफायर काम कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो इससे हमको पता चल गया कि हमारा ये पीसीबी यहाँ तक प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमको आगे क्या चेक करना है, आगे चेक करने के लिए आगे मैं और कोई वीडियो में आपको पूरी एक्सप्लेन पूरा आईपीएम तक बताऊंगा, यहाँ से यहाँ तक आईपीएम तक नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों को करूँगा। अभी इतना चीज़ को आप सीख लीजिए, सीख लेंगे तो आपका 50% 60% प्रॉब्लम आपका समाधान हो गया। अब ये रह गया यूवीडब्ल्यू टेस्टर, तो यूवीडब्ल्यू टेस्टर का हमको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और हमारे पास अगर यूवीडब्ल्यू टेस्टर है तो हम कोई भी पीसीबी को बड़े आसानी से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारे पीसीबी में प्रॉब्लम है कि हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। तो ये समस्या अगर ये नहीं रहेगी तो हम कदापि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो पीसीबी है उसको हम कभी भी प्रॉपर वे में हम कार्य नहीं कर सकते। तो अब इसका कनेक्शन है यूवीडब्ल्यू, तो एक एक वायर है यूवीडब्ल्यू में, आप इसको लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद 230 वोल्ट इसमें सप्लाई हमने दे दिया है। अब इसको देने के बाद हमने ओएलपी को बाईपास कर दिया दोस्तों, और इसके बाद ये जो वायर लगाया था मैंने इसको, ये थर्मोस्टेट का है, ध्यान देंगे थर्मोस्टेट का है, तो थर्मोस्टेट में 230 वोल्ट देना है, तो हम ब्रिज रेक्टिफायर से 230 वोल्ट देने जा रहे हैं दोस्तों। अब हमने 230 वोल्ट इसको दे दिया दोस्तों, और 230 वोल्ट देने के बाद अब हमें यहाँ पर देखिए अब ग्लो कर रहा है। अब एक बार मैं फिर से बंद करूँगा और इसके बाद फिर से चालू करूँगा, और उसके बाद फिर देखिए ये मैं आपका यूवीडब्ल्यू टेस्टर को ऑन कर दिया, और ऑन करने के बाद तुरंत ये डिटेक्ट नहीं करेगा, 5 से 7 मिनट ज़रूर लेगा दोस्तों। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और थोड़ी सी कुछ बातों को हम यहाँ और बताएंगे दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम साइट में अगर हमारे पास क्लैम मीटर होगा और यूवीडब्ल्यू टेस्टर होगा तो हम ये चीज़ कंपोनेंट को हम अपने क्लैम मीटर की सहायता से या हम मल्टीमीटर से हम इतने सेक्शन को सीखना चेक करना अगर हम सीख गए तो हमारा आधा प्रॉब्लम हमारा समाधान हो जाता है दोस्तों। बस ये छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश में निरंतर लगा रहता हूँ, आप ध्यान से देंगे। अब मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, देखिए हमारा ये 5 बार ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब हमारा कंप्रेसर को स्टार्ट कमांड नहीं दे रहा है क्योंकि हमने यूवीडब्ल्यू टेस्टर लगाया हुआ है दोस्तों, और ये रीड कर रहा है, 5-7 मिनट के बाद आपको बता देगा कि हमारी समस्या किस में है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने एक एक चीज़ को बता दिया इसको किस प्रकार से हम बराबर यहाँ से यहाँ पूरा चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर हम आगे और कोई नेक्स्ट वीडियो में बाकी का जो इधर का सर्किट है जो अपना 7805 है, जो 5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट निकल के ऑप्टो कॉपलर से जाकर इस आईसी में जाएगा, ये आईसी से भी आईपीएम में जाएगा दोस्तों, आईपीएम के बाद फिर यूवीडब्ल्यू टेस्टर कंप्रेसर के लिए जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ को जानना जरूरी है, अगर आप ये चीज़ को सब नहीं जानते दोस्तों तो कार्य को बराबर नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अभी सब टेक्निकल चेंज हो चुका है और टोटल डिजिटल इन्वर्टर आ चुका है दोस्तों। और हम लोग को अगर ये चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो हम कभी भी कदापि परफेक्ट हम काम नहीं कर सकते। इसलिए आप यूवीडब्ल्यू टेस्टर आपके पास नहीं है तो हमेशा आपका काम सफल नहीं हो पाएगा, तुक्के में काम चलता रहेगा, पीसीबी चेंज करके देख लें, ये करके देख लें, तो उसमें आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि हमारा 100% प्रॉब्लम किस में है। तो ये यूवीडब्ल्यू बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसको मैंने भी मंगवाया है और इसमें मैं बहुत समय से कार्य कर रहा हूँ, उसमें मेरे को बहुत सफलताएँ मिली है और इससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम समाधान हो जाता है। और मैं आप लोग को पीसीबी के बारे में आगे और अच्छी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी पीसीबी के बारे में कुछ बहुत सी चीज़ों को मैं भी नहीं जानता हूँ और मैं भी इसको सीख रहा हूँ दोस्तों। 70-80% मैं रिपेयर खुद करता हूँ, 80-90% मेरे से रिपेयर हो जाता है। ये पहला वीडियो है मेरा जो मैं आप लोग को अपने वीडियो के अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को पीसीबी की छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की, आगे चल के आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को दूंगा दोस्तों। आप वीडियो को वॉच कीजिए, लास्ट तक देखिए और स्किप मत कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये अब रेड कर लिया है और ये तीनों इसका जो
यूडब्ल्यू का जो एलईडी है ग्लो कर रहा है, तो इससे हमको ज्ञात हो गया, हमको ये डिटेक्ट करके बता दिया है कि हमारा पीसीबी ओके है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका पूरा मालूम हो चुका है, हमारा पीसीबी में प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और पीसीबी को कैसे कैसे चेक करना है वो भी मैं छोटी सी जानकारी दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों, और मैं इसी प्रकार से आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। फिर से एक बार नई वीडियो के साथ और नई शिक्षा और नए चीज़ों को बताने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।